हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हालिया जुल्मों सितम के बाद मरूफ मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक ने दुनिया भर के मुस्लिम रहनुमाओं से दर्दमंदाना अपील की है। नाजरीन, वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि दिल्ली हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को नाजायज शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने पर तशद्दुद, कत्ल और जिंसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों को तब तक मारा पीटा जाता है जब तक इनके चेहरे खराब ना हो जाएं और वो तकलीफ में मुबतला होकर जमीन पर पड़े हिंदू मत के नारे लगाने पर मजबूर हो। अच्छी तरह मुजालम की वीडियो मंजरेआम पर आ चुकी है, जिससे यह साबित होता है कि जुल्म और सितम हकीकत में रियासत की मंजूरी से किया जा रहा है। पुलिस की मदद से हजूम के मुतअद्दिद अफराद मुसलमान शहरियों पर पथराव करते हुए और बेरहमी से लाठियां मारते हुए दिखाई देते हैं और जबकि साथ साथ वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। हर तरफ तशद्दुद की बदबू है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद कहा कि गोलियों की जद में आकर हलाकतों की तादाद में इजाफा हो चुका है और 20 से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल किया जा चुका है और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। इसको हुकूमत के जेरे इंतजाम कत्लेआम करार देना गलत ना होगा। हिंदुस्तान की हुकूमत हिंदुओं और मुसलमानों के मबैन कई दहाइयों के जारी भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गैर जानिबदार हिंदुस्तानी मजलूम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, वो इनकी हमायत कर रहे हैं। तमाम मजहब और नस्ल के लोग तशद्दुद की मजम्मत के लिए इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से CAA मुखालफ मुजाहरों को रोकने की कोशिश के तौर पर जो कुछ शुरू हुआ वो एक अजीब शक्ल इख्तियार कर चुका है। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इन्हें अंधाधुंध कत्ल किया जा रहा है। एक हमला मुस्लिम खातून जमीन पर बेहोश मिली, इसका जिस्म खून में लथपथ था, इसे पुलिस वालों ने पीटा था जब वो अपनी बेटी को स्कूल से लाने के लिए जा रही थी। एक माँ को यह देखने के लिए मजबूर किया गया कि एक हजूम ने इसके घर को आग लगा दी जबकि इसका 9 माह का बच्चा घर के अंदर था। इस बच्चे की दर्दनाक चीखें इसके दिल में हमेशा गूंजती रहेंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्लिम हुक्मरानों से मुखातिब होते हुए कहा कि मोहतरम मुस्लिम कायदीन, हिंदुस्तान के हुकूमत के मजालिम ने इंसानियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग लगा दिया है, लेकिन इससे कई ज्यादा खौफनाक बात यह है कि भारतीय हुकूमत की अपनी मुस्लिम अकलियत पर जुल्म सितम पर पूरी दुनिया खामोश है। एक उम्मत मुस्लिमा होने के नाते हमारी बेहिसी अलमनाक है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हदीस रसूल बयान करते हुए कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन की आपस में मोहब्बत, रहमत और एक दूसरे के लिए शफकत की मिसाल एक जिस्म की है। जब किसी भी जुज्व को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म तकलीफ और बुखार के साथ रद्द अमल देता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, उसे इस पर जुल्म नहीं करना चाहिए और ना ही इसे तर्क करना चाहिए जबकि वो जुल्म किए जा रहा है। जब हमारे भाइयों पर जुल्म हो रहा हो उस वक्त खामोश रहना और इन्हें बेयारो मददगार छोड़ देना मुजरम के साथ जुर्म बराबर का शरीक होना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्लिम कायदीन से मुखातिब होते हुए कहा कि मोहतरम मुस्लिम कायदीन, इक्तदार के साथ जिम्मेदारी आती है। हम ये ना भूले कि हमने अल्लाह ताला को जवाबदेह होना है। जो इख्तियारात इसने हमें दिए हैं उसका इस्तेमाल ऐसे करे कि हम में से हर एक को मुजलूमों का दिफा करने के लिए अपनी सलाहियत के अंदर रहकर जो कुछ कर सकते हैं करना चाहिए। हम अपने इंसाफ के असूलों को तर्क नहीं करते और इस दुनिया में एक मामूली कीमत पर अपनी आखरत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अल्लाह सुबहान व तआला का फरमान है कि अल्लाह सिर्फ उन लोगों की मदद करेगा जो इसकी मदद करेंगे। अल्लाह बड़ा ताकतवर और जबरदस्त है। ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हम जमीन में इक्तदार बख्शेंगे तो वो नमाज कायम करेंगे, जकात देंगे, मारूफ का हुक्म देंगे और मुनकर से मना करेंगे, और तमाम मामलात का अंजामकार अल्लाह के हाथ में है।